सो so, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को मेरी तरफ से इसी तरीके से हंसी और खुशी से त्योहारों को मनाते रहिए और क्लास में जरूर जुड़िए सो दिस स्पेशल क्लास टॉप 25 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर घबराना नहीं है 25 क्वेश्चंस बैक टू बैक जितने क्वेश्चंस होंगे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करेंगे विद द टाइमर तो क्यों ना मैं पहले टाइमर सेट कर दूं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो एज ऑलवेज मैं थर्टी सेकेंड्स का ही सिर्फ टाइम दूंगी आप लोगों को नॉट मोर देन दैट क्योंकि मिनट का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है सो so, क्या आप सभी तैयार हैं स्पेशल क्लास के लिए नो जस्ट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन बहुत कम एस्पायरेंट्स अभी जुड़े हुए हैं जितने भी एस्पायरेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाओ लाइक द सेशन शेयर द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर डिजिटल अटेंडेंस यानी कि अंगूठा लगाना ना भूलें चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे चूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम टू टूटे फिल इन ब्लैंक यानी कि आपको एक वर्ड ऑप्शन में से चूज करना है जो ब्लैंक में एप्रोप्रिएटली फिल हो सकता है एंड इट शुड बी ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट यानी ग्रामर बेस पे भी करेक्ट होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट के सेंस में भी बेस्ट फिट uh, होना चाहिए तो ये रहा क्वेश्चन टू सेलिब्रेट दी एट एनिवर्सरी तो ये रहा टाइमर जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर फास्ट एवरी वन वॉट विल बी दी एंसर कौन सा करेक्ट वर्ड है जो यहां फेल हो सकता है फास्ट टू सेलिब्रेट दी ट्वेंटी एनिवर्सरी मतलब बीसवीं सालगिरह मनाने के लिए ऑफ द पब्लिकेशन किसकी पब्लिकेशन की किसकी ऑफ जेके रोलिंग्स हैरी पॉटर जो जेके रोलिंग की बुक है हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन द ब्रिटिश लाइब्रेरी इन लंडन इज जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है लंडन में वो क्या है इज एन एग्जीबिशन हैरी पॉटर और हिस्ट्री ऑफ मैजिक तो इज कैरिंग इज होल्डिंग पैम्परिंग मटीरियलाइजिंग एंड डिस्प्लेंग वेन समथिंग इज कैरिंग आउट राइट कैरिंग आउट का मतलब क्या होता है वेन यू अकम्प्लिश अ टास्क तो कैरी कैरिंग तो हो नहीं सकता होल्डिंग विच होल्ड कहतेशन टू होल्ड एन इवेंट इसका मतलब क्या होता है टू ऑर्गेनाइज इट है ना जैसे हम बोल देते हैं ना टू होल्ड एन इवेंट इट मीन टू ऑर्गेनाइज तो क्या क्या ब्रिटिश लाइब्रेरी लंडन इज होल्डिंग एन एग्जीबिशन हैरी पॉटर Pampering, मतलब किसी को बहुत ज्यादा पैम्पर्ड वे में रखना तो कहते हैं ना प्यार दुलार करना ठीक है उसे हम बोलते हैं डिस्प्ले मतलब शो मतलब करना ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू एज द करेक्ट ऑप्शन टू बी फिल्ड इन दी ब्लैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है योर टाइम स्टार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा मिस्टर वेणुगोपाल सबमिटेड दैट प्लेइंग इन सिनेमा हॉल्स मिस्टर वेणुगोपाल ने ये सबमिट किया है कि जो नेशनल एंथम सिनेमा हॉल्स में प्ले होता है एंड स्टैंडिंग जो हम लोग खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिस्पेक्ट शो करते हो टुवर्ड्स नेशनल इंथम अस ऑफ यूनिटी इन कंट्री डाइवर्स इन कास्ट रिलीजियस एंड रिलीज तो वो क्या है एम्बेलिश असाइंस डिजाइंस और डेजिग्नेट्स बताइए पट से बताना है हम्म क्या होगा यहां पे? जब वेणुगोपाल ने यह सबमिट किया जो सिनेमा हॉल में क्या बजता है नेशनल एंथम प्ले होता है तो जो आप जब उसको सुनते ही खड़े हो जाते हो तो ये कैसा रिस्पेक्ट है एम्बेलिश एम्बेलिश मतलब होता है टू डेकोरेट समथिंग तो डेकोरेशन का सिंगल है नहीं असाइन डिजाइन असाइन करना या डिजाइन करना है ना ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे है ना डेजिग्नेट करना भी एक तरीके से डेजिग्नेशन हो जाना तो ये भी गलत हो जाएगा फोस्टर मतलब क्या होता है वेन यू एनकरेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग है ना वेन यू एनकरेज समथिंग तो इस चीज़ का एक मार्क है रेस्पेक्ट फॉर ऑफ फॉर इट एड फोस्टर जो एक एनकरेज करता है डेवलप करता है अ सेंस ऑफ यूनिटी इन अ कंट्री राइट सो ऑप्शन नंबर फोर वुड फोरवुड दी करेक्ट आंसर करेक्टली चलो नेक्स्ट है इसको करिए यहां पे क्या आएगा इमिडिएटली प्रोसीडेड टू लोअर जर्मनी to himself of the fidelity of the troops in that province and while at cologne he received news of narwas death क्या क्या होगा चल देखो क्या लिखा हुआ है he immediately proceeded वो बहुत तुरंत ही आगे बढ़ा कहां लोअर जर्मनी के लिए to himself of the fidelity अपने आप को ये श्योरिटी देने के लिए जो फिडिलिटी ऑफ एंड एंड दैट दैट एट द सेम टाइम टाइम ही रिसीव न्यूज न्यूज उसी पे उसको ये भी मिली कि नरवा की डेथ हो गई है तो इंश्योर तो मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना सो फिडिलिटी और लॉयल्टी कैन नॉट बी प्रोटेक्ट सो ये आपका तो रॉन्ग हो जाएगा बट वी कैन से इट एज अश्योर जिसका मतलब होता है कन्विंस करना या सेटिस्फाई करना है ना क्या करना कन्विंस या सेटिस्फाई करना

राइट चलिए फटाफट से देखते हैं कौन करता है जल्दी से ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू द करियर चॉइस आर क्लियर बिटवीन मी यू एंड राहुल बताइए फटाफट बहुत सिंपल सी बात है जितने भी डाउट है करियर चॉइस को लेकर के वो इन तीनों के बीच में क्लियर किए गए मी यू एंड राहुल देखो ये है आपका ये तो आपका सब्जेक्ट है पहली चीज ठीक ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकता है और राहुल भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकता है तो हम इन सभी को क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों की मेजोरिटी तो ऑब्जेक्टिव केस तो यहां पे जो करेक्ट ऑर्डर होगा राहुल इज वॉट थर्ड पर्सन है ना फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन पढ़ा है ये है आपका सेकेंड पर्सन और ये आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है तो जब देर आर टू और मोर प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस तो देर शुड व्य पॉजिटिव है तो रूल क्या होता है टू थ्री वन का यानी यहां पे क्या होना चाहिए क्लियर बिटवीन यू राहुल एंड मी यानी पे होना चाहता है यू राहुल एंड मी तो आंसर क्या हो गया डी पार्ट क्योंकि इसी में एरर है ठीक है इजी था चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो फास्ट एवरीवन i haven't started the time and i was waiting for you all to answer सबका दिमाग सवइयों में लग रहा होगा चलो देखो क्या लिखा हुआ है इट वाजंट मी पहली चीज वाजंट वाज वाज इज एम आर वर्ब ये सभी आपकी क्या है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ड ठीक है और टू बी फॉर्म ऑफ वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस ये मैंने बहुत बार आप लोगों को रूल्स में पढ़ाया है सब्जेक्टिव केस आना चाहिए ऑफ प्रोनाउन तो यहाँ पे इट वॉजेंट मी न होकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने क्या होगा इट वॉज आय हुपॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ आर टीम तो यहां पे ए पार्ट में तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर वन राइट चलो नेक्स्ट ये तो और इजी है अ टेंथ चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग देखिए यहां पे क्या होगा अरे बाबा टाइम अप हो गया देखो क्या लिखा है टेंथ चैप्टर अगर देखा जाए तो चैप्टर क्या है एक नाउन है तो कोई भी इनडेफिनेट नाउन होता तो आप अ लगा देते बट देर इज एन वॉट ऑर्डिनल नंबर जैसे लिखा हुआ है तो द आर्टिकल हमेशा आप ऑर्डिनल नंबर के साथ क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं बुक के उसमें का जो टेंथ चैप्टर है यानी डेफिनेट हो गया तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या लगाएंगे The. क्योंकि ये डेफिनेट है कि कौन सा चैप्टर इंटरेस्टिंग है टेंथ चैप्टर सो द चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग समझ आया तो इसीलिए एरर कहां आ गई ए में आ गई तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर वन मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन यहां पे देखो कहाँ एरर है स्टिल वेरी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एल्डर्स एंड रिलेटिव देखो किस पार्ट में एरर है कौन बताएगा फास्ट जल्दी जल्दी बताओ वह बहुत जिद्दी है जैसे हमने बोला तो सिंस चाइल्डहुड बट हिम हमने आप लोगों को इससे पहले भी एक रूल पढ़ाया था कि बट कुछ केसेस होते हैं कि बट एज और टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इन सभी के साथ हमेशा कौन सा यूज होता है सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बहुत ही सिंपल सी बात है तो इज वेरी स्टबन वो बहुत जिद्दी है सिंस चाइल्डहुड बचपन से ही बट हिम नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा ही क्योंकि हिम आपका क्या है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है तो so, हम यहाँ क्या लिखेंगे बट ही इज स्टिल वेरी रेस्पेक्टफुल लेकिन फिर भी वो बहुत रेस्पेक्टफुली सबसे बात करता है सो एंसर इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज बी क्योंकि इसी पार्ट में एरर है ठीक है चलो नेक्स्ट ए डी बी सी सब में एरर फाइंड आउट करनी है करिए डॉक्टर खन्ना होम यू मेट लास्ट नाइट इज माई अंकल जिन डॉक्टर खन्ना से कल आप मिले अः पिछली रात को वो क्या हैं मेरे अंकल हैं बताइए यहाँ पे क्या होगा फटाफट से डॉक्टर खन्ना कैसा प्रोनाउन कैसा नाउन है डॉक्टर खन्ना एक प्रॉपर नाउन है डॉक्टर खन्ना एक प्रॉपर नाउन है ठीक और प्रॉपर नाउन से पहले और दैट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव हुम यू मेट राइट तो यहाँ पे डॉक्टर खन्ना क्या है एक पर्टिकुलर पर्सन है है ना लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर डॉक्टर की ही बात कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं यानी ये डेफिनेट एक डॉक्टर खन्ना की बात कर रहे हैं इनडेफिनेट की बात नहीं कर रहे हैं तो यहां पे हम लिख देंगे द डॉक्टर खन्ना whom you met last night is my uncle. इसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल लग जाएगा और एरर आपकी आ जाएगी ए पार्ट में इसलिए मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर वन एज दी करेक्ट एंसर नेक्स्ट क्या है इन द सेंटेंस सर्टेन वर्ड्स आर इन बोल्ड एंड नंबर फ्रॉम ए टू ई विच आर दी पॉसिबल पेयर्स टू बी इंटरचेंज यानी कि क्वेश्चन है किसका वर्ड स्वैपिंग का तो ए टू ई यानी फाइव वर्ड्स आपको हाईलाइट दिए हैं आपको बताना है कि इसमें इंटरचेंजमेंट की कहा रिक्वायरमेंट है और उसको आपको चेंज करना है चलिए पढ़िए पढ़िए और change Everybody, fast. और चेंज चेंज करिए करिए फास्ट बाय नेचर रॉबिन्स शेडो एनिमल्स दैट डिस्टर्ब दी सोयल एंड एप्रोचेबल इनवर्टिब्रेट वेदर वाइल्ड बोर्ड और गार्डनर्स सो आर वन ऑफ आर मोस्ट एक्सपोज बर्ड्स देखिए कहां चेंज करने की जरूरत है टाइम आप देखो पहली बात तो नेचर क्या होता है आइडेंटिटी एक किसी की भी आप कह सकते हो पर्टिकुलर कैरेक्टर और आइडेंटिटी अगर शेडो की बात करेंगे तो कोई एक ट्रैक uh, हम कह देते हैं या इसको फॉलो करना है अप्रोचल मतलब समथिंग विच इज फ्रेंडली समवन हु इज फ्रेंडली एक्सपोज करना किसी चीज को रिवील करना ठीक है एक्सपोज यहाँ पे खाली हाईलाइट अब देखोगे तो बाय नेचर करेक्ट है बाय नेचर जो रॉबिन्स है वो किसको फॉलो करता है एनिमल्स को दैट डिस्टर्ब दी सॉइल जो सॉइल को uh, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं एंड फ्रेंडली इनवर्टिवेट अब तो फ्रेंडली इनवर्टिवेट होगा या एक्सपोज करेगा वो. ऑबियसली क्या करेगा एक्सपोज इनवर्टी ब्रेड वेदर वाइल्ड बियर और चाहे वो वाइल्ड बियर बोर हो या गार्डनर्स हो सो आर वन ऑफ आर मोस्ट अप्रोचेबल बर्ड्स जो सबसे ज्यादा हमारी अप्रोचेबल बर्ड्स हैं तो डी और ई e बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया जो इंटरचेंज होगा तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर एज दर्ड स्वैप राइट चलो नेक्स्ट इसको करिए मीनिंग भी इसलिए बताते जा रहे हैं ताकि यू वुड बी क्लियर टू यू ऑल We are also introduced to the ingenious seeds of crimson. Crimson hota hai something which is deep red. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है ingenious यानी कि creative. चलो meaning पता चल गई, अब आगे देखो. We are also introduced हमें भी इंट्रोड्यूस कराया गया यानी प्रेजेंट कराया गया या वी हैव बीन प्रेजेंटेड टू दी इंजीनियर्स जो क्रिएटिव सीट थे किसके जो डीप रेड डीप रेड फाउंटेन ग्रास थी विच चूज नॉट टू सर्वाइव अंटिल दी कंडीशंस मतलब उसने ये चूज किया कि वो सर्वाइव ही नहीं करेगा बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था विच चूज नॉट टू डेवलप समथिंग जो जर्मिनेट का मतलब होता है डेवलप राइट right? तो यहां पे आना चाहिए था ई ट अंटिल जब तक की कंडीशन परफेक्ट नहीं हो जाती एंड कैन सर्वाइव और जब तक की सर्वाइव नहीं कर सकती फॉर सिक्स वाइल वेटिंग सो अकॉर्डिंगली में इंटरचेंजर तो मांग करेंगे ऑप्शन करेक्ट एंसर नेक्स्ट फार फ्रॉम बींगेटिव एंड पैसिव प्लान आर सोशल एंड साइलेंट अब ग्राउंड एंड बेनेट थ्रू देर रूट एंड फंगल नेटवर्क यहां पर देखो क्या इंटरचेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है फटाफट एवरी वन फास्ट फार फ्रॉम बींग कम्युनिकेटिव एंड पैसिव तो कम्युनिकेटिव यानी कि दैट इज यू सम काइंड कह सकते हैं ना क्या कि कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है ठीक है. तो, है? है और पैसिव हो सकते हैं तो प्लांट्स आर सोशल प्लांट्स क्या होते हैं सोशल होते हैं और साइलेंट होते हैं कि क्या होते हैं प्लांट्स uh, जो होते हैं दे आर सोशल एंड साइलेंट या जो रूट्स होती है उनके अब ग्राउंड एंड बिनेथ जो जड़े होती हैं ऊपर और अंदर की तरफ मतलब अंडर ठीक तो यहाँ पे रूट्स की बात करेंगे ना कि साइलेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा ग्राउंड एंड बेनेथ थ्रू देयर साइलेंट एंड फंगल नेटवर्क जो साइलेंट और फंगल नेटवर्क हैं और यहां पे अगर हम देखेंगे तो क्या ये सही है बताओ क्या ये हो सकता है नहीं क्योंकि ये बिल्कुल सही यहां पे दिया हुआ है ये तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने किया और आप लोग इसी बहती गंगा में हाथ धो भी लेते हैं क्योंकि क्या लिखा हुआ है फार फ्रॉम बींग कम्युनिकेटिव एंड पैसिव की जब बात करते हैं ना तो फार फ्रॉम अगर आप पैसिव की बात कर रहे हो ना तो कम्युनिकेटिव और साइलेंट एक साथ अगर हम देखें तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेटिव या तो बोल दो या तो साइलेंट बोल दो तो यहां पे सीधे बोल दो फार फ्रॉम बीइंग साइलेंट एंड पैसिव प्लांट्स आर सोशल एंड कम्युनिकेटिव ठीक है हम लोग रूट्स को सोच करके इसको आंसर कर दिए थे लेकिन पैसिव मीन होता है कि किसी चीज को आप इजिली एक्सेप्ट करते हो ठीक है उसके लिए बोलते हो और कम्युनिकेट मतलब जो एक्सप्रेसिव हो चीजें ठीक उसके लिए बोलते हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो कम्युनिकेटिव को ही हटा दो यहाँ पे लिख दो फार फ्रॉम बींग साइलेंट

है ना यू आर फाइटिंग अगेंस्ट और फाइटिंग फॉर समथिंग बताइए प्रायोरिटी इज वर्क ऑफ वी मस्ट आर स्प्रेड टू लेवल कंट्री अब देखो यहीं पे गड़बड़ हो गई आर के बाद स्प्रेड टू लेवल ऑफ कंट्री ये तो गड़बड़ दिख रहा है ठीक करंट प्रायोरिटी करेक्ट है कि वाइल आर जो हमारी करंट प्रायोरिटी है वो क्या है इज कॉम्बेटिंग किससे कॉम्बैट करना किससे फाइट करना जो कोरोना वायरस फैल रहा है तो ऑब्वियसली यहां पे स्प्रेड हो जाएगा कि द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस हमें उससे लड़ना है वी मस्ट कॉन्टिन्यू आर वर्क हमें अपना काम लगातार कॉन्टिन्यू करना होगा टू लेवल ऑफ दी हेंस जो यहाँ पे इंटरचेंजमेंट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू सी और ई ईके चलो नेक्स्ट नाउ बिलो कंटेंस फाइव स्कैटर्ड सेंटेंस अलग अलग बिखरे हुए सेंटेंसेस हैं आपको उनको एक साथ करना है अरेंज चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से अरेंज करते हैं है ना इसको आप लोग अरेंज करो फट से बहुत इजी है जल्दी से अरेंज करिए पहला सेंटेंस पता करवा लो बस फिर बाकी आगे कुछ नहीं करना है चलो क्या लिखा है बहुत है कि टीचर्स को direction दिया कोई बच्चा फोन वोन नहीं लेकर के आएगा तो यहाँ पे टीचर से ही फर्स्ट सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स द होम्स इससे सेंटेंस मिल नहीं रहा तो बाकी हम एलिमिनेट कर दो फिर यहाँ पे हमने देखा कि सी सी तो भाई तीनों में है तो क्यों ना इस पर तुक्का लगाया जाए लगा लिया कि द टीचर्स को डायरेक्शन दिया गाइड किया टू नॉट टू नॉट वॉट टू नॉट के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आना चाहिए टू नॉट गैदर एक साथ इकट्ठे नहीं होना है आएगा तो यानी बाकी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि बाकी दोनों में बीबी दो साथ में दिया हुआ है अब यहां कर लो गैदर एट वोवंस एट द होम्स ऑफ दोज विद फोन्स फोन के साथ एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे और ये हो गया फाइव तो करेक्ट रीअरेंजमेंट करेक्ट है आप लोगों का भी Next, इसको करिए काउस होल्ड इज स्मार्टफोन और चिल्ड्रेन डोंट अ अब यहां पे पहला सेंटेंस कौन सा होगा फराफट से बताइए एवरीवन जल्दी से फर्स्ट सेंटेंस पता कर लो बाकी कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं बता रही हूं चलो देखते हैं मेनी हाउस होल्ड इधर एक तो यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है लेकिन स्मार्टफोन और चिल्ड्रन से नहीं स्टार्ट होगा एक्सेस टू किसके एक्सेस की बात करें मे नॉट है तो इट अगर हम देखें तो ये हमें थोड़ा सा सुटेबल लग रहा है कि इससे हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं देखिए डी कहाँ पे दो जगह पे है बाकी एलिमिनेट कर दो अब ए आएगा या ई e आएगा डी के बाद ये हमें डिसाइड करना इट मे बी नोटेड डैट ऐसा नोटिस किया गया है क्या दैट मेनी हाउस यही आपका कंफर्म हो गया ए तो ये हटा दो मेनी हाउस होल्ड इधर क्या करेंगे इधर मे नॉट हैव अ टू डिजिटल डिवाइसेस फिर आगे डिजिटल डिवाइसेस आगे आ जाएंगी और ये आपका करेक्ट रीअरेंजमेंट हो जाएगा ठीक है चलो so, मतलब किसी चीज को बढ़ाना ठीक है यहां पे देखो क्या होगा इसका रीअरेंजमेंट फटाफट से जब ये सेंटेंस आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है सुटेबल कैटलिस्ट दैट आर आईज वाइल सर्चिंग फॉर वाइल सर्चिंग फॉर मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सर्च हो रही है तो वाइल्ड सर्चिंग फॉर हम यहां से कह सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल कह सकते हैं तो ओ, uh वेट -oh, मैंने ये क्यों काट दिया सी हमारा पहला है तो हम इसको नहीं काट सकते ना हाँ तो यहाँ पे हम सी हमारा फर्स्ट है ये हमें पता चल गया तो बाकी हम एलिमिनेट कर दो सी के बाद लेकिन दोनों में दिख रहा है कि ए और ई e ही आएगा भैया आंख बंद करके कर दो क्योंकि हमें पता है कि यही होगा कि वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल कैटेस्ट सुटेबल कैटलिस्ट के, के बारे में सर्च करते समय दैट दैट वॉट दैट एसेट द रिएक्शन जो हमारे रिएक्शन को एसेलरेट करेगा क्ले कॉट आर आईस तो डी और बी आएगा पहले डी आएगा तो ये यह हमारा यहां से हमने सेंटेंस मेकिंग कर लिया तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया और हमारा आंसर क्या हो गया करेक्ट अरेंजमेंट एज अ ऑप्शन नंबर थ्री राइट चलो नेक्स्ट इसको करो इजी है वन लाइनर्स टाइप है ना चलो करो टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है तो सबको बहुत ध्यान पूर्वक करना है ठीक है एंड बायो मासूल इज टू यूज वेस्ट वन स्ट्रैटी टू मेक बायो फ्यूल मोर कॉम्पिटेटिव बताओ फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा देखो एंड से स्टार्ट नहीं होगा अब फीड दैट कन्वर्ट इट अब कोई फीड किसी चीज के लिए होगी इज से स्टार्ट नहीं होगा मेक से स्टार्ट नहीं होगा बचा क्या वन स्ट्रैटी कोई एक ऐसी स्ट्रैटी की बात करें तो डी तीन में यूज हुआ है लेकिन दो में बी है एक में ई है तो देखते हैं कौन सा आएगा क्या बी आ सकता है वन स्ट्रैटी टू अब टू के बाद अ फीड नहीं आ सकता तो बी कैंसिल कर दो बी कैंसिल कर दो यहां पे क्या आ जाएगा टू तो के बाद आ गया यानी कि मेक मोर कॉम्पिटेटिव एक जो स्ट्रैटी बायोफ्यूल्स को और ज्यादा कॉम्पिटेटिव करने के लिए इज टू यूज क्या करना होगा क्या यूज करना होगा वेस्ट है ना इज टू यूज वेस्ट हमें यूज करना होगा एंड बायोमास और बायोमास हमें यूज करना होगा एज अ

सफिशियंट वर नॉट आर नॉट सफिशियंट इज नॉट वर नॉट और नो इम्प्रूवमेंट क्या होगा ये तो बहुत ईजी है देखो सेंटेंस में क्या दिया है मनी और मनी कैसा नाउन है मनी को हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन द अमाउंट ऑफ यूज हुआ है तो ऑब्वियसली ये प्लूरल कैसे हो सकता है बेटा क्या होगा यहाँ पे इज़ तो इज़ वाला सिर्फ एक में दिया हुआ है तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर टू कि द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट पर्याप्त नहीं है ठीक नेक्स्ट माई पैलेस इज फाइव टाइम्स बिगर देन योर मेरा पैलेस तुमसे पांच गुना ज्यादा बड़ा है बताओ यहां क्या होगा कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन अब हाईएस्ट डिग्री में अगर इसको हमें प्रिटेंड करना है तो कैसे करेंगे क्योंकि नाउन के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं यूज कर सकते फाइव टाइम्स लिखा है पांच गुना बड़ा तो बताइए क्या हो सकता है यहां पे करेक्शन क्या लिखा है हम बोल सकते हैं कि माई पैलेस इज फाइव टाइम्स बिगर्स देन yours नहीं माई पैलेस इज फाइव टाइम्स एज बिग एज

फटाफट देखो ये कंजंक्शन पेयर है क्या टू और टू का तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है टू प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ये रूल नोट कर लो अगर नहीं पता है तो है ना पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस फिर वही टू एंड देन आपका वर्ब तो so, यहाँ पे क्या हो जाएगा शी टू वीक एंड पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए थी तो so, यहाँ पे हो जाएगा टू टू वीक फिर के बाद आपकी आ गई वर्ब तो so, यहाँ पे टू वीक टू ये कहा दिया है हमें ऑप्शन नंबर थ्री में तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया राइट चलो नेक्स्ट ही शुड बताइए यहाँ पे क्या होगा फटाफट एवरीबडी फास्ट

तो ही शुड हैव लेजर लेजर फॉर एंटरटेनमेंट होगा कि and, uh, जिसमें मतलब जो एंटरटेनमेंट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे उसके लिए उसके पास लेजर टाइम है तो फॉर वुड बी दी करेक्ट आंसर और लेजर तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में इन और टिल की कोई बात ही नहीं होगी सो ऑप्शन नंबर वन वुड बी दी करेक्ट आंसर बढ़ चुके हैं हमने ट्वेंटी क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं चलते हैं अगले पांच क्वेश्चन के लिए उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये पैराग्राफ और इसी से रिलेटेड आपके फाइव आपके सेंटेंसेस तो यू ऑल हैव अ मिनट इसको जल्दी से अरेंज कर लो तो बाकी आंसर अपने आप से आ जाएंगे अरेंजमेंट के लिए मैं आपको देती हूँ एक मिनट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ आई एम गोइंग ऑफ द स्क्रीन सो दैट यू कैन सी द फुल स्क्रीन बताइए अच्छा मैं इधर आ जाती हूँ पढ़िए इसको यू ऑल हैव अ मिनट एक मिनट है सबके पास जल्दी से इसको सॉल्व करिए फास्ट Okay Okay have you arranged all these sentences yes or no let's check it out

फ्लड से पूरा सब एकदम सब बेकार हो गया था डिस्ट्रॉय हो गया था केरला में उसके लिए बताया उन्होंने दिस वाज इन एडिशन टू करोड़ सैंक्शन सैंक्शन जो अलाउ हुआ है ना किया गया अप्रूव किया गया फॉर द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड कंसिडरिंग दी लाइकली डिले इन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज सफर्ड बाई पैसेज है वो किसके बारे में इज अबाउट दी प्राइम मिनिस्टर हु इज कम्युनिकेटिंग टू दी रला गवर्नर जो केरला गवर्नर से बातचीत कर रहे हैं है ना दैट मोर फंड्स विल बी मेड अवेलेबल और ज्यादा फंड्स अवेलेबल करा दिए जा सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो यही हमारा फर्स्ट हो जाएगा आर फिर उसी से फॉलो करते हुए होगा कि ये गवर्नर को बता रहे हैं कोई चीज प्राइम मिनिस्टर तो ये हो जाएगा सेकेंड की टेलिंग गवर्नर पी सता यानी जो केरला के गवर्नर है ठीक है उसके बाद इसी से ये फॉलो हो जाएगा कि उन्होंने फिर सता को बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है आपके लिए 600 करोड़ रुपए ठीक उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो कंसीडरिंग है सफर्ड बाई द स्टेट दिस वॉज इन एडिशन वो उसके एडिशन में था पैसा तो आपको समझ में आया इसका करेक्ट अरेन्जमेंट आर पी क्यू टी एस तो सेकेंड आपका क्या हो जाएगा आरपी एस में ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर क्या होगा होगा ऑप्शन नंबर देन थर्ड आपका आंसर क्या हो जाएगा अगर हम थर्ड आंसर आपसे पूछे यानी कि थर्ड आपका सेंटेंस कौन सा होगा तो पी के बाद हमारा क्यू था क्यू था आर पी के बाद हमारा क्यू था तो फिफ्थ हो गया देन हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था ऑब्वियसली आर तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर फोर फिर हमारा फिफ्थ क्या था लास्ट सेंटेंस दैट इज